और सनातन का झंडा गाड़े रही कायदे में रहेंगे तो फायदे। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये नाम इन दिनों देखिए सबकी जुबान पर है। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य के इकलौते ऐसे चहेते शिष्य हैं जो अपने चमत्कारों और तल्ख तेवरों की वजह से मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके दरबार में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है, भीड़ में बैठे हर एक व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इसे भांपते ही बागेश्वर बाबा ना सिर्फ चमत्कार करते हैं बल्कि समस्याओं का भी निपटारा कर देते हैं। जिन लोगों की आस्था बागेश्वर धाम वाले इन बाबा से जुड़ी है, उन्हें बाबा में दिव्य इंसान नजर आता है। एक ऐसा महापुरुष दिखता है जो अपने ज्ञान और तप की शक्ति से चमत्कार करता है, लोगों के मन की बात पढ़ता है। और बाबा के इसी चमत्कार को कुछ लोग अंधविश्वास और पाखंड भी बताते हैं। विरोधियों का कहना है कि बाबा धर्म की आड़ में नफरत फैला रहा है, इस्लाम को कमजोर करने की साजिश रच रहा है, धर्म का मजाक उड़ा रहा है और टोपी वालों का धर्मांतरण करा रहा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे इन तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका पता इसी से चलता है कि पुलिस बाबा को क्लीन चिट दे चुकी है। और अब बाबा का चमत्कार भारत को क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएगा? तो छतरपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर स्थापित है। और इसी धाम में देखिए 30 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर का एक दरबार लगाते हैं। और बतौर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को सनातन धर्म से जोड़ते हैं। दावा करते हैं कि उनके तप और ज्ञान की जो शक्ति है उसके बल पर वो व्यक्ति के बारे में आसानी से पता लगा लेते हैं। और अपने इन्हीं दावों की वजह से आज मीडिया की हेडलाइंस में भी हैं। विरोधियों ने देखे जैसे ही उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया, बाबा ने तुरंत देवभूमि उत्तराखंड से कायदे और फायदे में रहने की नसीहत। आप जानते हैं कायदे और फायदे की बात करने वाले बागेश्वर बाबा का चमत्कार अब 2 फरवरी को दिखेगा। जी हाँ, दरअसल माघ मेले में बागेश्वर बाबा हिंदुत्व की अलख जगाएंगे। 2 फरवरी को प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचकर बाबा गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संत महात्माओं से मुलाकात कर उनसे न सिर्फ आशीर्वाद लेंगे बल्कि हिंदू राष्ट्र की अपनी मुहिम के लिए समर्थन भी मांगेंगे। और जो कि देखिए धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं के धर्मांतरण का खुलकर विरोध करते आए हैं, इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो अपनी अंतिम सांस तक हिंदुओं के घर वापसी करवाएंगे। और अब इस कड़ी में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी कवायद तेज हो गई है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अब की बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम वाले बाबा के कंधों पर है। और इस मुद्दे को लेकर माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं से बात की जाएगी, उनकी सहमति ली जाएगी। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि लोगों के मन की बात जान लेने वाले बागेश्वर वाले ये बाबा का ये चमत्कार क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएगा। 2 फरवरी की तारीख किस तरह से हिंदुत्व की तस्वीर बदल के रख देगी, भारत की तस्वीर बदल के रख देगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बागेश्वर धाम से जुड़ी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दुनिया कैसी है आइए समझाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य दुनिया। छतरपुर के पास एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान का एक सिद्ध मंदिर है। बालाजी हनुमान मंदिर के सामने ही शिव का मंदिर है जिसे महादेव का मंदिर कहते हैं। गड़ा स्थित बागेश्वर धाम में ही सिद्ध गुरु और दादाजी महाराज की समाधि है। गड़ा का ये बागेश्वर धाम स्थान उत्तराखंड के बागेश्वर धाम की ही शक्ति है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग अपने दादाजी भगवान दास गर्ग को ही अपना गुरु मानते थे। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे, वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और वे भी दरबार लगाते थे। धीरेन्द्र जी को हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उन्हें हनुमान और सिद्ध महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति सेवा साधना और पूजा करने में जुट गए। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ, बालाजी की कृपा से उन्हें लोगों के मन की बात पता चलने लगी।
बागेश्वर धाम में मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यह एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। तो बागेश्वर वाले बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री के इन चमत्कारों पर, इन दावों पर आपको कितना यकीन है? आपको इनमें कितनी सच्चाई नजर आती है और क्या बाबा की ये मुहिम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाने में सफल हो पाएगी? इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइए।